हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ एसएन वाई में आपका स्वागत है। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं, हम जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल। तो कौन से टूल से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए, हम 30-60 ट्रायंगल मतलब सेट स्क्वायर से हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, क्योंकि ये 15 का मल्टीपल है। प्रोटेक्टर से भी हम बना सकते हैं, मतलब चांदा, ठीक है, और ड्राफ्टिंग मशीन, ईडी जब हम बनाते हैं, देखे होंगे, ड्राफ्टिंग मशीन कुछ ऐसे होता है जो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। ऑल ऑफ द एबव, इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का, डी नंबर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ लीड ग्रेड्स हैज अ ग्रेड आउट ऑफ सिक्वेंस। तो देखिए, जब आप सभी को देखेंगे तो HHB, B3B ये एक सिक्वेंस में है, 6BH और 4HB सिक्वेंस में है, 9HHB B2B ये सब सीक्वेंस में, लेकिन देखिए ये कॉम्बिनेशन है सबका, बी भी है, एच भी है, एफ भी है, 3HB है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ठीक है। तो दूसरे का बी नंबर आपका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशन। तो देखिए, डायमेंशन में जो हमको आपको पता होगा कि ये एक्सटेंशन लाइन होती है, और ऐसे हम डायरेक्ट ये जो हमारी जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड का जो होगा सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लाइन इज़ अ पर्टिकुलर टू सेक्शन ड्राइंग। तो जो सेक्शन ड्राइंग में होती है वो क्या होता है, सेक्शनिंग करते हैं तो हम कटिंग प्लेन चलाते हैं, ठीक है। तो कटिंग प्लेन लाइन जो होगा हमारा सही आंसर होगा सेक्शन ड्राइंग के लिए। तो चौथे का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंगल कैन नॉट बी मे विथ आइदर अ 45 और 30-60 ट्रायंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर का यूज करके हम कौन सा एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखिए, हम इस सेट स्क्वायर का यूज करके पहले हम कौन सा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं ये बता दूं, तो जो 15 के मल्टीपल होंगे जो भी, वो एंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, 15 30 15 60 90 70, जो देखिए 50 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट यूजली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो आपका कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चीज़ रखते हैं और क्या नहीं रखते हैं, तो एक्सेप्ट पूछा है, क्या नहीं रहता है। तो देखिए, हमारे पास बो कंपास होता है, स्केल भी होता है, डिवाइडर भी होता है, तो एक्स्ट्रा लीड्स हम नहीं लेके चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच लाइन टाइप इज थिन एंड लाइट। तो देखिए, कौन सी होती है, तो ये आपकी होती है जो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है ना, वो थिन और लाइट होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी थिन और लाइट होती है, हल्की होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लाइन टाइप इज थिक एंड ब्लैक। तो अब देखिए, अब पूछ उसमें पहले पूछा था थिन पतली, अब इसमें पूछ रहा है मोटी और काली रेखा कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी विजिबल लाइंस, ठीक है। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि विच टाइप ऑफ लाइन हैज परपेंडिकुलर ओवर ऑल अदर टाइप ऑफ लाइंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अविजिबल लाइन। क्या पूछ रहा है, प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर टाइप ऑफ लाइंस, तो कौन सी, विजिबल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि तो इसका ए विजुअल लाइन सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंस ऑफ लाइंस। तो देखिए, जो हमारा इसमें जो हिडन लाइन होता है वो प्रेसिडेंस ओवर अ सेंटर लाइन होता है। जो हमारा प्रेसिडेंस ऑफ लाइंस पूछा ना, तो ये देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, कि ए हिडन लाइन हैज प्रेसिडेंस ओवर अ सेंटर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन यू वांट टू मेक द लेटर्स ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट नैरोवर, यू वुड सेट इट्स। तो हम क्या सेट करते हैं उसके आस्पेक्ट को, तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा, आस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडक्शन स्केल। तो रिडक्शन कौन सा रिडक्शन स्केल नहीं है, तो देखिए हमको रिडक्शन स्केल का मतलब क्या है, कि जो हमारा आर होगा
वो लेस देन वन होगा, आर जो होगा लेस देन, सॉरी आर जो होगा हमारा लेस देन वन होगा। तो देखिए इसमें 1:1 है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। बाकी में देखिए आप डिवाइड करके, तो 1 से छोटा होगा वैल्यू, तो इसका जो सही आंसर होगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ड्राइंग ऑफ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉचेस ETC द स्केल यूज्ड। जब हमको स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉच वगैरह का हमको बनाना होता है, तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? ड्राइंग ऑफ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉचेस ETC, तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? हम लोग इसमें यूज करेंगे इन लार्ज स्केल का, ठीक है। हम इसमें यूज करेंगे कौन सा स्केल का? इन लार्ज स्केल का, क्योंकि हमको जब छोटा से छोटा इंस्ट्रूमेंट होगा तो हमको उसको बड़े साइज में बनाना होगा। तो हम इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इन लार्ज स्केल। व्हेन द ड्राइंग आर ड्रॉन स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देन स्केल नोन एज। क्या बोल रहा है कि जो ड्राइंग ड्रॉ करेंगे हम एक्चुअल साइज से छोटा करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं साइज को, तो हम लोग यूज करेंगे रिड्यूस्ड स्केल, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हमारा कोई भी चीज़ दिया होता है डायमेंशन किलोमीटर हेक्टोमीटर वगैरह में, या फिर मीटर में ही दे दे कि 25 मीटर है 30 मीटर है, तो हम लोग उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? रिड्यूस स्केल होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द 10 मीटर लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज 1 mm ऑन द मैप, देन द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज RF। क्या हो जाएगा इसका? देखिए क्या बोल रहा है, 1/, अब एक्चुअल लेंथ क्या है? 10 मीटर, तो 10 को अब जब हम mm में करेंगे, क्योंकि RF हमारा यूनिटलेस होता है, तो यहाँ पे 1000 आएगा। तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RF ऑफ स्केल इज ऑलवेज, द RF जो होता है स्केल का हमेशा क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। मान लीजिए लेस देन 1 होगा तब हमारा क्या होगा? रिड्यूसिंग स्केल होगा। इक्वल टू 1 होगा तो सेम साइज का, और ग्रेटर देन 1 होगा तो इनलार्जिंग स्केल होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ RF इज, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह यूनिटलेस होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। द फुल फॉर्म ऑफ RF इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैप ऑफ 10 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स ऑफ एरिया ऑफ 50,000 स्क्वायर मीटर ऑफ अ फील्ड, द RF ऑफ द स्केल इज। तो देखिए इसको हम 80 सेंटीमीटर स्क्वायर को 50,000 स्क्वायर मीटर से कंपेयर करेंगे, देन इसके बाद हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 80 और 55,000 का जब निकालेंगे तो फिर उसको हमको डिवाइड करना होगा 80/5,000 स्क्वायर मीटर को। तो ये जो आपका आ जाएगा इसमें आंसर वो होगा 1/2500, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एरिया ऑफ 36 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 144 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन अ मैप, व्हाट इज़ द। तो इसमें देखिए क्या होगा, RF पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, 36 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या है 144। देखिए इसी टाइप से इससे पहले वाला भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो एक मैं बता दे रहा हूँ। तो 36 किलोमीटर को हम स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर = 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें क्या होगा, RF क्या होता है, 6 किलोमीटर = 12 सेंटीमीटर हो गया, तो RF बराबर हो जाएगा 12/6 किलोमीटर। किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10^5 आएगा, ठीक है, तो 6×2 = 12, तो 2/10^5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2 से जब कटेगा तो 5 टाइम्स होगा, 2×5 = 10, तो ये 50,000, मतलब 4 0 बचेंगे। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, 1/50,000 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 कंस्ट्रक्टिव यूनिट्स द अप्रोप्रिएटेड स्केल इज। तो देखिए जब 3 यूनिट होगी ना तो वो डायगोनल स्केल होगा, और जब 2 यूनिट होगी तो वो प्लेन स्केल होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ इन द डायगोनल स्केल द वर्ड डायगोनल इज यूज बिकॉज इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो ये देखिए डायमीटर ऑफ ए डायगोनल में भी, साइड ऑफ अ पेंटागन में भी, इसलिए इसको ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको हो सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।